हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेप टेट क्लासेस पर। इस वीडियो में हम क्लास सिक्स एनसीईआरटी हिस्ट्री को की स्टडी करेंगे। इसमें हम हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हैं उन्हें स्टडी करेंगे। हम इस चैप्टर को डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस चैप्टर की। शुरुआत करने से पहले हम आपको दिखा देते हैं ये कौन सा क्वेश्चन था जो 2019 सीटेट में पूछा गया था, वो भी इसी चैप्टर से था। तो आप देख सकते हैं कि ये वो क्वेश्चन है जो कि 2019 के सीटेट में पूछा गया था, जिसमें आपको मैचिंग करके सही आंसर करेक्ट करना था, और जिसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देख लेते हैं चैप्टर को। हम चैप्टर का जो टाइटल है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी घटनाएं। इतिहास क्या होता है? तो इतिहास पूर्व में जो घटनाएं घटित हुई होती हैं उनका अध्ययन होता है, यानी अतीत की जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन होता है इतिहास। तो पहले हम जानेंगे कि कौन सी घटनाएँ हैं, कब घटित हुई थी, कहाँ घटित हुई थी और किस प्रकार घटित हुई थी। इसी इन क्वेश्चन को एक्सप्लोर करके हम इतिहास के बारे में जानते हैं, क्योंकि जो घटनाएं लेटेस्ट घटी हुई होती हैं उन्हें तो हम रेडियो सुनकर, टेलीविज़न पर न्यूज़ देख के या फिर अखबार पढ़ के जान सकते हैं, लेकिन जो घटनाएं 100 साल पहले या फिर हज़ारों साल पहले हुई हैं उन्हें हम कैसे जानते हैं, क्योंकि उन्हीं का अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि जो घटनाएँ आज से काफ़ी वर्ष पहले हुई हैं उन्हें हम कैसे जानते हैं, और इतिहास में हम क्या क्या जानते हैं, यानी किस चीज़ के बारे में हम इतिहास में अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, यानी हम जान सकते हैं कि लोग उस टाइम पे क्या खाते थे, यानी उनका खान पान कैसा था, वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, उनका व्यवसाय क्या होता था, ये सब चीज़ें हम इतिहास का अध्ययन करके जान सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी का जो क्षेत्र था वहाँ पर लोग कैसे रहते थे, यानी लोग कहाँ रहते थे। तो जो इसका मेन पॉइंट वो है कि लोग कहाँ रहते थे। यही से क्वेश्चन पिछले जो प्रीवियस ईयर का 2019 का सीटेट था वहाँ पूछा गया था कि लोगों का रहन सहन कैसा था, यानी कौन से लोग किस क्षेत्र में रहते थे, उसमें आपको मैचिंग करनी थी। तो पहले हम जानेंगे नर्मदा नदी का जो तट था, यानी नर्मदा नदी का जो क्षेत्र था वहाँ किस प्रकार के लोग रहते थे। नर्मदा नदी का क्षेत्र आप मैप में देख सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है वो यहाँ बहती थी। तो नर्मदा नदी के क्षेत्र में जो लोग रहते थे वो संग्राहक थे, यानी वो चीज़ों को संग्रहित करते थे। जो जड़ी बूटियाँ थीं, जड़ थे, फल थे और जंगल के अन्य उत्पाद थे उन्हें वो संग्रहित करके रखते थे। यानी यहाँ के रहने वाले लोग संग्राहक थे और आखेटक थे, यानी आखेट करते थे जानवरों का। तो संग्राहक और आखेटक जो लोग थे वो नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट का जो क्षेत्र था वहाँ रहते थे। नेक्स्ट हम जानेंगे उत्तर पश्चिम की जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, ये वहाँ किस प्रकार का जनजीवन था, उसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ फसल भी उगाई जाती थी, यानी कृषि भी की जाती थी और पशुपालन भी होता था। नेक्स्ट हम जानेंगे उत्तर पूर्व में जो गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में, यानी यहाँ इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पे सबसे पहले, यानी 4700 वर्ष पूर्व, यहाँ पे कुछ आरंभिक नगरों का उदय हुआ था। यानी आरंभिक नगरों का उदय कहाँ हुआ था, तो ये सिंधु के क्षेत्र में हुआ था। सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र था वहाँ पर आरंभिक नगरों का उदय हुआ था, आरंभिक नगर यहाँ फले फूले थे। नेक्स्ट है गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ जो प्रमुख घटना थी वो थी मगध महाजनपद, यानी मगध महाजनपद का जो विकास था वो यहाँ था। मगध महाजनपद जो बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था
उसका क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में ही स्थित था। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, इसके बाद ये आप स्टडी कर सकते हो, लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम जानेंगे देश के नाम के बारे में, यानी भारत के का जो नाम है, जैसे हम भारत और इंडिया जो प्रायः यूज़ किया जाता है, इसके अलावा भी भारत के अन्य नाम भी थे। तो हम जानेंगे कि इंडिया शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है, यानी भारत को इंडिया क्यों कहा जाता था, क्योंकि इसका प्राचीन नाम भारत था, लेकिन इसे इंडिया क्यों कहा जाता था, यानी किसने सबसे पहले इसे इंडिया कहा था। तो इंडिया जो शब्द है वो इंडस से बना है, और इंडस सिंधु नदी को बोला जाता था, यानी संस्कृत में जो सिंधु नदी है उसे ही इंडस बोला गया था, और इंडस से इंडिया बना था, यानी इंडस के क्षेत्र में जो रहने वाले, जो इंडस का जो क्षेत्र था उसे इंडिया कहा गया था। 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोश या फिर इंदोस कहा, और इसके पूर्व में स्थित जो भूमि थी उसे ही इंडिया कहा। और भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। यानी यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि जो भारत शब्द का यूज़ था वो लोगों के एक समूह के लिए किया गया था, ना कि किसी देश के लिए किया गया था। और इस समूह का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में भी मिलता है, यानी संस्कृत की जो आरंभिक कृति है, सबसे प्राचीन कृति है ऋग्वेद, उसमें भी भारत शब्द का और इस समूह यानी भारत नाम का जो ये समूह था उसका उल्लेख मिलता है। लेकिन बाद में जो भारत शब्द था इसका यूज़ एक देश के लिए किया जाने लगा था, यानी प्राचीन समय में एक समूह के लिए यूज़ होता था और बाद में इसे एक देश के लिए प्रयोग किया जाने लगा था। नेक्स्ट हम जानेंगे कि पांडुलिपि तैयार कैसे की जाती है। हम अतीत के बारे में कैसे जानते हैं, जो हमारा अतीत है उसके बारे में हम कैसे जानते हैं, तो हम कुछ हमें लिखित जानकारियां भी मिलती हैं और कुछ हमें पुरातत्व की खुदाई से जो पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं उनके माध्यम से हम प्राचीन समय के इतिहास को जानते हैं। तो इसमें हम जानेंगे पांडुलिपियों के बारे में, यानी इसे पांडुलिपि जिसे अंग्रेज़ी में हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो कि लैटिन शब्द मेनू यानी हाथ से निकला है, यानी जो हाथ से लिखी जाती थी उसे ही हम पांडुलिपि या फिर मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये जो पांडुलिपियाँ थी वो प्रायः ताड़ पत्रों से बनाई जाती थी, यानी ताड़ का जो पेड़ होता था उसके पत्तों से, और हिमालय क्षेत्र में एक उगने वाला एक पेड़ था जिसे भुर्ज कहा जाता था, भुर्ज उसके उस पेड़ की जो छाल थी उससे एक विशेष तरीके से भोजपत्र तैयार किया जाता था और उसी पर इसे लिखा जाता था, यानी भुर्ज पेड़ की छाल से जो भोजपत्र तैयार किया जाता था उस पर लिखी जाती थी, और ताड़ पत्रों पर ये लिखी जाती थी, जिसे आप इसमें देख सकते हैं ये पांडुलिपि है, इस प्रकार की होती थी। जो बहुत प्राचीन पांडुलिपियाँ थी वो नष्ट भी हो गई हैं, क्योंकि ये पेड़ की छाल या फिर पत्तियों से बनी होती थी, तो इन्हें कीड़ों के द्वारा नष्ट करने का खतरा भी रहता था, और ये समय के साथ नष्ट भी हो जाती थी। जितनी पांडुलिपियाँ थीं उनमें से कुछ पांडुलिपियाँ वर्तमान में भी उपलब्ध हैं। ये पांडुलिपियाँ प्रायः मंदिरों और बिहारों से मिली हैं। इनसे हमारे जो साहित्य है, जो धार्मिक मान्यताएं, व्यवहार या फिर औषधियां, विज्ञान आदि के बारे में इन पांडुलिपियों में चर्चाएं की गई हैं। और इसके अलावा हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख किससे होते थे, तो अभिलेख जो है वो पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, यानी पत्थरों पर कठोर सतहों पर ये, मतलब जो पत्थर की तरह पत्थर हो सकते हैं फिर या किसी धातु का कठोर सतह होती थी उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे, उस पर ये अभिलेख लिखे जाते थे। और कभी कभी शासक द्वारा अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को भी उत्कीर्ण करवाते थे, यानी शासक अपने आदेशों को उत्कीर्ण करवाते थे या फिर समाज के जो अन्य लोग थे प्रभावशाली, वो लोग भी अपने आदेशों को इस अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाते थे, और जिनसे वर्तमान में हमें
पूर्व की घटनाओं की जानकारी इन्हीं अभिलेखों के माध्यम से ही हमें प्राप्त होती है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो सबसे पुराना अभिलेख है वो हमें वर्तमान में कंधार से मिला था, कंधार जो कि अफगानिस्तान में है, और ये अशोक का अभिलेख था। यानी यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण किया गया था। इसमें अनफैक्ट जो है कि यह अभिलेख में जो प्रयुक्त भाषा थी वो यूनानी थी और अरमाइक थी नामक दो भिन्न लिपियों में भाषाओं को लिखा गया था। यानी जो भाषा थी वो यूनानी और अरमाइक दो लिपियों में लिखी गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं को अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। यानी अतीत में जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती थी वो हमें वर्तमान में खुदाई की जाती है जब इतिहास का अध्ययन करने के लिए, तो उनसे प्राप्त होती हैं। और उन वस्तुओं का अध्ययन करके जो उनके कालक्रम के बारे में बताता है उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं, और जो वस्तुएं होती हैं उन्हें हम पुरातत्व कहते हैं। इन अवशेषों में पत्थर या फिर ईंट से बनी इमारतों के अवशेष हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं या फिर मूर्तियां भी हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार के जो औजार हथियार आभूषण आदि मिलते हैं ये सभी पुरातत्व में पुरातत्विक जो सामग्री होती है उसी में शामिल किए जाते हैं। इसमें आप कुछ पुरातत्व अवशेषों के बारे में देख सकते हैं। ये एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है जो कि 4700 वर्ष पुराना हो सकता है। और दाएं जो ये चित्र है ये एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के जो चांदी के सिक्के थे वो 2500 वर्ष पूर्व प्रयोग में लाए जाते थे। सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई भी की जाती है, और इनसे कुछ वस्तुएं पत्थर पक्की मिट्टी और कुछ धातुओं भी बनी हो सकती हैं। ऐसे था तो कठोर या जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। इसके अलावा जानवरों चिड़ियों या मछलियों की हड्डियां भी हम ढूंढ सकते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। यानी इनके इनसे हम जान सकते हैं कि अतीत में लोग क्या खाते थे, उनका खान पान किस प्रकार था। अन्न के दाने, लकड़ी के टुकड़े, जले हुए या फिर जो जलने के बाद जो शेष बच जाते हैं उसके अवशेष भी हमें खुदाई से प्राप्त होते हैं। पांडुलिपि अभिलेख और पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हम स्रोत किसे कहते हैं, तो स्रोत में आती है आपकी पांडुलिपियाँ, अभिलेख और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियाँ। यानी जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है उन्हें हम इतिहास के स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे अतीत एक या फिर अनेक, क्योंकि हमने देखा था कि जो इस बुक का नाम है वो है हमारे अतीत। यानी अतीत, इसमें अतीत शब्द का जो यूज़ है वो बहुवचन के रूप में किया गया है, ना कि इसका नाम हमारा अतीत ना होकर हमारे अतीत है। यानी ये जो अतीत था हमारा, जो पास्ट था, वो एक प्रकार का नहीं था बल्कि अनेकों प्रकार का है। सभी प्रत्येक समूह के उनके अपने अतीत हो सकते हैं, उनकी अपनी उनका अपना कालक्रम हो सकता है, उनकी अपनी घटनाएँ हो सकती हैं। अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत के मायने भी अलग अलग होते हैं। जैसे पशुपालक या कृषकों का जीवन राजा और रानियों के जीवन से, व्यापारियों के जीवन से, शिल्पकारियों के जीवन से बहुत अलग था, तो कृषकों का अपना एक अतीत है, पशुपालकों का अपना अलग अतीत है, जो राजा यानी शासक होते थे उनका अपना अतीत है, और व्यापारियों का अपना अलग अतीत है। इसलिए इसमें हम अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में करते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद भी है कि उस समय शासक अपनी विजय का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों या उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। यानी जो उस समय के जो युद्ध होते थे, जो विजय होती थी, शासक उन्हें अभिलेखों पर उत्कीर्ण करवाते थे या फिर पांडुलिपियों में भी उन्हें लिख कर रखा जाता था। इस वजह से हमें उनके युद्ध के बारे में, उनकी विजय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक या पशुपालन जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, इसलिए हमें उनके जीवन के बारे में पुरातत्विक जो सामग्रियाँ थी उनसे जानकारी मिलती है। और
हमें संपूर्ण जानकारी इससे नहीं प्राप्त हो पाती है। अब हम जानेंगे तिथियों का मतलब क्या है, क्योंकि हम इसमें दो प्रकार के जो शब्द यूज़ करते हैं, एक ईसा पूर्व और एक ईसवी। तो ईसा पूर्व का मतलब क्या है? तो ईसा पूर्व का जो मतलब है कि इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ईसा पूर्व का जो मतलब है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती थी। और यह सीटेट में पूछा भी जा चुका है कि ईसा पूर्व का मतलब क्या है, यानी बीसी का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का जो समय था उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं, यानी ईसा से पहले का समय। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसे हम ईसवी कहते हैं, यानी जो काल का विभाजन होता है वो ईसा मसीह के जन्म से होता है। उन जन्म के पहले का समय ईसा पूर्व और जन्म के बाद का समय ईसवी। अंग्रेजी इसे हम बीसी कहते हैं, यानी बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों में से पहले एडी लिखा पाती हो, यह एनोडोमनी है, यानी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। यानी जो ईसा मसीह के जन्म का वर्ष था उसे एडी कहा गया, यानी एनोडोमनी कहा गया। उससे पहले का जो समय था उसे बिफोर क्राइस्ट कहा गया, यानी बीसी कहा गया। और इसके अलावा वर्तमान में कुछ नए शब्दों का भी यूज़ किया जाता है, जैसे एसी जो है, एसी एडी की जगह हम सी और बीसी की जगह बीसीई का यूज़ भी करते हैं। सी अक्षर जो है उसे हम कॉमन ईरा बोलते हैं, यानी जो इससे पहले जो एडी यूज़ किया जाता था उसे आज हमने सी शब्द से भी रिप्लेस कर दिया, यानी कॉमन ईरा। और जो बीसी शब्द था उसे हम बीसीई से रिप्लेस कर चुके हैं, यानी उसे हम बिफोर कॉमन ईरा भी बोलते हैं। बिफोर क्राइस्ट पहले बोला जाता था, वर्तमान में उसे हम बिफोर कॉमन ईरा भी बोलते हैं। और यह सीटेट में पूछा जा चुका है कि बीसीई का क्या मतलब है, तो बीसीई का जो मतलब है वो है बिफोर कॉमन ईरा। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का यूज़ किया जाता है, यानी जो ये ग्रेगरियन कैलेंडर है इसी का यूज़ वर्तमान में लगभग सभी देशों में किया जाता है। इसलिए हम इन शब्दों को यूज़ करते हैं जिससे विभिन्न जो घटनाएं होती हैं उनमें सिमिलरिटी बनी रहे, उनके कालक्रम में अंतर ना आए और उनके कंपैरिजन में अंतर ना आए। इसलिए जो सर्वमान्य तिथि हैं उनका यूज़ किया जाता है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का भी प्रयोग होता है जिसे हम बिफोर प्रेजेंट कहते हैं, यानी वर्तमान से पहले। तो हम बीपी शब्द का भी यूज़ करते हैं, बीसी शब्द का भी यूज़ करते हैं और वीसीई का शब्द का भी यूज़ करते हैं। तो बीसीई आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये वर्तमान फ्रेज है जो यूज़ किया जाता है। इससे पहले हम बीसी यूज़ करते थे, नहीं बिफोर क्राइस्ट, अब वर्तमान में हम बिफोर कॉमन ईरा यूज़ करते हैं। और ये नया वर्ड है इसलिए इसे इसके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे जो कि सीटेट 2019 के पेपर में पूछा गया था। आप इसे सॉल्व करोगे चैप्टर को पढ़ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।